सांसद खेल महोत्सव में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द्वीप प्रज्वलन के बाद आयोजन की प्रशंसा की, साथ ही खेल प्रेमियों का उत्साहवर्धन किया। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे पारंपरिक खेल लुप्त होते जा रहे हैं, ये आयोजन उन्हें जीवंत बनाए रखने का एक सफल एवं सराहनीय प्रयास है। साथ ही उन्होंने जबलपुर रानीताल स्टेडियम से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। खेलों में भौरा कना, डूडी, कुलेल, किल्ली डंडा, तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेल शामिल किए गए। कार्यक्रम के दौरान सांसद राकेश सिंह और पूर्व महापौर प्रभात साहू, पूर्व राज्य मंत्री हरेंद्र जीत बब्बू, मंडल अध्यक्ष कौशल सूरी, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिलाष पांडे, अश्विनी परांजपे सहित समस्त भाजपा पार्षदजन व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह चरम पर रहा। कि हमारे युवा गुरु के द्वारा और समापन हो रहा है, तो जिस व्यक्ति ने भारत के एक भारतीय के दिल में हमारे देश की क्रांति, हमारे देश की आजादी की का एक मशाल जगा कर रखा था, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समापन हो रहा। बधाई देना चाहता हूं राकेश सिंह को। यहां एक तरफ खेल का आयोजन, वहां दूसरे तरफ भारतीय इतिहास, भारतीयता के तरफ हमारे नौजवानों का संकल्प, इसका संगम इस खेल के आयोजन में हमें देखने को मिल रहा है रानीताल स्टेडियम में। बहुत पुराना ये, और मैं राकेश सिंह जी को दिल की गहराइयों से एक सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे नौजवानों में एक सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है, और आप सबको और सभी आयोजकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ पहले मैं स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आया हूं। अगर आप याद रखोगे तो खेल के मैदान पे पहला रूल है कि स्पोर्ट्स के फील्ड पर केवल स्पोर्टिंग की बात की जाती है। जब मंदिर में जाते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, जब स्पोर्टिंग फील्ड में होते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम सबको अपने जीवन में अपनाना होगा। तो कृपा करके राजनीति को इस मैदान से तो अलग रखें।